गुड मॉर्निंग, आप सभी का दीप्ति जैसा ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है पहला दिन और ये किचन का देख लीजिए लुक, क्योंकि ये किचन फिर आपको दोबारा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ ही घंटे में ये पूरा किचन का पूरा वॉल ये टूटने वाला है। तो अभी सामान हट रहा है क्योंकि पूरा फुली टाइल्स होने वाला, फुली टाइल्स। ये है भैया, इन्हीं को मैं सारा काम दी हूँ और मुझे ये देख करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि ये स्टार्टिंग में पूजा करेंगे, ये मेरे माइंड में आया ही नहीं, क्योंकि रेनोवेशन का काम था तो मेरे माइंड में यही है कि जब मैं पूरा घर का काम करा लूँगी उसके बाद मैं घर पे पूजा रखूँगी, तो घर पे काम होने के बाद। लेकिन ये सबसे पहले औजार का पूजा के प्रसाद, फूल, माला वगैरह सब कुछ वो खुद से ले करके वो आए। मैं अभी इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का घर है। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी जल्दी मेरा खुद का घर है और मैं अपने घर को सजाने वाली हूँ, उसको रिनोवेट कराने वाली हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। वैसा तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे सपने सच में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मुझे मिल रहा है, जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं सोच भी नहीं पाई थी कि मैं हस्बैंड को कुछ भी बोलती हूँ ना कि मेरा ये सपना है, तो बस वो कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं, उनके बस की बात भी नहीं होती ना, तब भी वो अपने हिस्से से ज़्यादा मेरे लिए करते हैं, हमेशा से करते हैं। तो इस मामले में तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टाफ को कह रही थी कि जो ऑलरेडी जो किचन में काम हो रखा है टाइल्स का, फर्नीचर का, वो तो क्रैक नहीं होगा ना अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ फोड़ करेंगे, तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइनली काम शुरू हो गया है, लगभग ये 20-25 दिन ये काम जाएगा जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलिए ड्रीम कुछ पूरा हो रहा है। क्योंकि पूरा किचन का क्या हाल है वो तो आपने देख लिया है। तो ऐसे देखिए, मैं मास्क लगा के घूम रही हूँ, पूरा डस्ट हो चुका है। मतलब काम तो किचन में हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, पर पूरा बेडरूम और पूरा हॉल रूम का हालत ख़राब है, तो आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये रहा हॉल रूम का हालत, ये देख रहे पूरा डस्ट बैठ गया यहाँ पे, जबकि सुबह ही मैं पोछा लगाई थी। ये देखिए फ्रिज यहाँ पे रखे हैं हॉल रूम में, फिर फ्रिज में भी डस्ट फैला हुआ है। तो सोफ़ा को मैं कवर कर दी हूँ, लेकिन फिर भी सोफ़ा गंदा हो चुका था, उसके बाद मैं पीछे से कवर की। तो किचन का आधा सामान यहाँ पे हॉल रूम में, और आधा सामान जो खाने पीने की चीज़ें, पीने का जो पानी है वो बेडरूम में रखा हुआ है। ये जो मेरा कपड़ा रखा हुआ है चेयर के ऊपर, आपको हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि कपड़े रखने के लिए जगह नहीं, बस एक अलमारी, इसीलिए तो घर पे काम करा रहे हैं। और मशीन वगैरह मैं बेडरूम में रख दी हूँ, फल वगैरह है, पीने का पानी है, और खाना जो मैं बनाई हूँ, रोटी सब्जी, ये सब मेरा यहाँ पर रखा हुआ है। अभी आ गया है टाइल्स, लेकिन वो टाइल्स लगेगा कल, आज तोड़फोड़ का काम चलेगा, क्योंकि किचन में भी टाइल्स लगेगा, तीन जगह टाइल्स लग रहा है, तो आपको मैं बता रही हूँ। ये देखिए मैं अभी ना अपने बेडरूम में हूँ, ठीक है। और वो जो आपको पीछे दिख रहा है ना ब्लू ड्रम, वो हॉल रूम है। तो ये पासेज है बीच में, ठीक है, पासेज है। तो इधर क्या होता है ना, दो बाथरूम है, इधर एक नहाने का है और एक उधर टॉयलेट है। तो ये जो पासेज है ना, इसमें मुझे टाइल्स का काम कराना है, तो यहाँ पे भी थोड़ी देर के बाद तोड़ फोड़ होगी, मतलब जो भी तोड़ना है वॉल को। और ये जो मेरा एंट्रेंस है, यहाँ पे भी टाइल्स का काम होगा, यहाँ पे भी, ये वॉल पूरा हम लोग लेंगे, एंट्रेंस में बहुत कम एरिया है ना, तो इस वजह से यहाँ तक हम लोग लेंगे। 12:40 हो रहे और 12 बजे लाडो को छुट्टी हो जाती है, तो इसको लेकर के आ गई। और आदि को 12:30 बजे स्कूल भेजना रहता है, तो उसको भी भेज दी हूँ। और पूरा टाइम मुझे कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि खाना पीना बन गया, तो मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम का मैं तैयारी कर ली थी, ताकि रात को भी मुझे काम ना करना पड़े। क्योंकि जैसे ही लोग जाएंगे तो मुझे पता है मुझे साफ़ सफाई के काम करने, हालांकि लोग करके जाएंगे, लेकिन सारे सामान को तो साफ़ करना मुझे ही पड़ेगा ना अच्छे से। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन घर इतना गंदा हो रखा है कि मैं जूस वगैरह कुछ भी बना करके पीने के बारे में सोच नहीं पाऊंगी। हो सके तो सब अंदर डाल दी हूँ, ये बड़ा थाली तो मैं नहीं फंसाऊँगी, प्लेट में ही खा लूँगी, प्लेट ये रहा। ज़्यादा बर्तन फंसाने से क्या मतलब है, फिर तो उसको धोना होगा। ये रहा, ये मैं बनाई थी ना सुबह सुबह रोटी सब्जी हस्बैंड को टिफ़िन में देने के लिए, वो है।
कि मेरी दो रोटी लाडू बस एक ही खाएगी। इसको मैं ढक देती हूँ। ये है पत्ता गोभी की सब्जी। सब्जी बहुत सारी बन गई है। एक बहुत बड़े साइज का पत्ता गोभी था, उसी का मैं बना दी तो इतना ज्यादा सब्जी बन गया। जो भैया लोग थे काम के सिलसिले में आए थे तो वो अपना खाना खाने के लिए चले गए। अभी 1:15 बज रहा है तो इस बीच हम लोग भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि किसी के सामने खाना खाने में बहुत शर्म आती है। तो मैं इसी टाइम पे इंतजार कर रही थी जब वो लोग लंच करने के लिए जाएंगे तो उसी समय मैं भी खा लूंगी और लाडो को भी खिला दूंगी। लाडो खा लो और इसका यूनिफॉर्म भी मैं चेंज कर दूंगी। मैं नाश्ते में फल ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं खाई। मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह से खाने में। किसी के सामने खाने में शर्म आता है। मैं पूरा दिन भूखी रह जाऊंगी पर किसी के सामने खाने में सच में शर्म आता है। गए आदमी लोग जो आए थे काम करने के लिए, और देखिए पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा यहाँ पे जो भी तोड़ फोड़ चला है ये पूरा आप देख सकते हैं हो चुका है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, क्योंकि ये फुल्ली टाइल्स हो गए। इवन की बीट तक में हम लोग टाइल्स लगवा रहे हैं, इसलिए हर पोर्शन को तोड़ा गया है। यहाँ पे किचन के जस्ट बाहर ये जो गली है, पासेज है, यहाँ पे सिर्फ इसको तोड़ा गया है और ये सब रह गया। ये कल होगा और एंट्री गेट का भी कल होगा। तो पूरा डस्ट हो चुका है। हालांकि सारा वो कचरा उठा करके भैया फेंक दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पोछा लगाना होगा। ये डस्टिंग का है, ये मुझे साफ करना है। और घर के हर सामान में डस्ट लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा डस्टी डस्टी हो रखा है। तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, और जबकि शाम के बज रहे हैं 7, अभी जस्ट वो गए हैं। तो अभी मैं साफ सफाई करूंगी, फिर खाना भी बनाना है मुझे, दोनों काम है। तो ऐसे ही छोटा छोटा ब्लॉग आपको मिल सकता है, गैप भी हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी 10 मिनट का ब्लॉग बनाने का, लेकिन जस्ट आज काम का शुरुआत हो गया तो इसलिए मैं एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को दे रही हूँ, ताकि आप लोग पता चल जाए कि हाँ मेरे यहाँ काम स्टार्ट हो चुका है। सोशल मीडिया में काम कर रही हूँ तो इसका मैं फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहूँगी। तो मैं एक चीज़ क्लियर आपको खुल करके बता देती हूँ कि कभी भी मैं घर पे काम होते हुए कभी नहीं दी, क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला घर है और इसलिए मैं यहाँ पे रेनोवेशन का काम करा रही हूँ। तो मेरे पास अनुभव जो है वो 0 है। कभी मैं किसी के घर पे भी काम करते हुए मैं किसी को देखी भी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं कि कैसे क्या काम कराना है। तो पैसे तो मेरे लगेंगे ही। तो अगर आप लोग मुझे कुछ एडवाइस भी देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोग पास अनुभव है कैसे क्या काम कराना है, क्या मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं डेली ब्लॉग कोशिश करूँगी डालने का, और रोज़ का मैं बताऊँगी कि आज मैं क्या क्या काम करवाई हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि पैसे तो मेरे अच्छे खासे लगने वाले हैं, आप किचन का ही आइडिया लगा लीजिए। अगर मैं किचन में को फुली टाइल्स करा रही हूँ और उसमें फर्नीचर का भी काम करा रही हूँ तो अच्छा खासा मोटा अमाउंट जा रहा है। जितना हम लोग सोचे थे बजट लेकर के, जस्ट समझिए तो उसका डबल खर्च हो रहा है। क्योंकि काम जब कराने स्टार्ट किए ना तो मन है ना बहुत चंचल होता है, भागने लगा, नहीं ये भी कर लेते साथ में, ये भी कर लेते। ऐसे ऐसे करते 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 बहुत सारे काम ऐड हो गए। तो रोज़ मैं आपको बताऊंगी कि क्या मैं काम करा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सजेशन दीजिएगा कि कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं करवा रही हूँ कुछ काम, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और मैं तो ख्याल रखूँगी ही, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत आजकल सही नहीं चल रही, ये भी मैं आपको बता देती हूँ।